आज की ताज़ा खबर, हमारे सिटी के अंदर अटैक कर दिया एक किलर कार ने जो कि बहुत ही ज़्यादा बंदों को मार रही है। उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मार दिया है और वो मार मार के लोगों को तालाब में फेंक के आ रही है। तो बिल्कुल ही सतर्क रहे, अपने घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। क्या किलर कार भाई साहब ये हमारी सिटी के अंदर क्या कर रही है और ये लोगों को मार भी रही है भाई साहब? अबे कलवे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू भी वही सुन रहा है जो हम सुन रहे हैं, किलर कार हमारे सिटी के अंदर आ गई है। अबे भाई साहब तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अबे कलवे, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, मेरे को छुपने दे भाई। भाई साहब कलवे वो कहीं अपने घर ना आ जाए, हमको ना खा जाए भाई, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अबे इतना ज्यादा भी डरने की कोई बात नहीं है, इतनी ज्यादा टेंशन मत ले, तू मैं हूं ना तेरे साथ। कलवे तू साथ है इसीलिए तो मेरे को और भी ज्यादा डर लग रहा है भाई साहब। अबे इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, हम चल रहे अपने ओल्ड वाले हाउस, तो आज की रात वहीं रहेंगे हम, बहुत ही ज्यादा पार्टी वार्टी करेंगे, मजे करेंगे, फिर आ जाएंगे कल तक यहाँ पर। अबे हाँ भाई साहब कलवे, चल अपने ओल्ड वाले हाउस चलेंगे भाई, ये बहुत ही अच्छी बात कही तूने। अबे आजा भाई चुपचाप आजा, अपने गाड़ी में बैठ, जल्दी से चलते हैं। कलवे मैं कहाँ पर बैठूँ? अबे भाई साहब कहीं भी बैठ जाना, इतनी बड़ी गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर बैठ जाए, एक काम कर। अबे हाँ कलवे बैठ गया, जल्दी से चला गाड़ी को। भाई साहब तू चुपचाप बैठ, मैं चला रहा हूँ गाड़ी तो। अबे कलवे आराम से चलाना गाड़ी भाई, मेरे को गिरा मत देना। अबे हाँ ना चला लूंगा गाड़ी, तू चुप कर। हाँ तो गाइस वो न्यूज वाला बोल रहा था कि घर से बाहर कोई मत निकलना और यहाँ तो लोग बाहर घूम रहे हैं घर के, और भाई गाड़ियाँ वगैरह भी चल रही है यहाँ तो बहुत सारी। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हमको न्यूज वाला बेवकूफ बना रहा था, एक नंबर का बेवकूफ आदमी था वो। अबे भाई साहब कलवे सही न्यूज भी तो हो सकती है वो। अबे हाँ तेरी भी बात सही है, हो भी सकती है भाई, सही न्यूज भी हो सकती है। तो चलो अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हम जा रहे हैं अपने ओल्ड वाले हाउस, तो वहाँ पर सेफ है हम पूरी तरीके से। आज की रात हम वही रहने वाले हैं ओल्ड वाले हाउस पर। अबे हाँ यार भाई साहब कलवे काफी ज्यादा मजा आएगा आज तो। अबे हाँ पूरे दिन मौज मारेंगे, आ जाएंगे कल तक फिर वापस। तो बस ज्यादा दूर नहीं है अब हमारा ओल्ड वाला हाउस, तो अब हमने न्यू वाला हाउस ले लिया है, पर अभी मैं आपको ओल्ड वाला हाउस भी दिखा देता हूँ। तो बस थोड़ा और आगे जाने के बाद हमारा ओल्ड वाला हाउस आ जाता है, तो ये हम सब का ओल्ड वाला हाउस है, तो ये भी काफी ज्यादा सही है भाई साहब, काफी ज्यादा देखने में सही लगता है। तो आज की रात तो हम यही रहने वाले हैं, यहीं पर हम घूमने आ जाते हैं कभी कभार, तो ऐसे आज भी आ गए हम। तो अब हम फटाफट से चलते हैं अपने हाउस के अंदर। तो हमारा हाउस बहुत ही ज्यादा गंदा लग रहा है मेरे को बाहर से ही। कलवे भाई साहब गंदा तो लगेगा ही ना, यहाँ पर कौन रहता है? हाँ तेरी भी बात सही है, यहाँ पर कोई रहता है नहीं है इसलिए गंदा हो जाता है। कलवे यार भाई साहब मेरे को अभी भी डर लग रहा है भाई उस किलर कार से। अबे तेरे को कोई डरने की जरूरत नहीं है भाई, मैं हूँ ना तेरे साथ, बिल्कुल भी मत डर तू। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने ओल्ड वाले हाउस के ऊपर, तो ये काफी ज्यादा सही लगता है यहाँ से भी देखने में। और भाई साहब यहाँ पर एक बाथरूम भी था जो कि काफी ज्यादा अच्छा था। अपने न्यू वाले हाउस के अंदर बाथरूम नहीं है, वहाँ पर है जिम। हाँ तो न्यू वाले हाउस के अंदर दो दो जिम है और यहाँ पर है बाथरूम वगैरह सब कुछ है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से अब हम नाइट होने का इंतजार करते हैं। ऑलराइट गाइस तो यहाँ पर नाइट हो गई है, और भाई साहब चोप दिखाई नहीं दे रहा भाई, चोप कहाँ पर गया? अबे हाँ कलवे बोल, यहाँ पर ही हूँ, क्या काम है? अबे काम वाम कुछ नहीं है, तेरे को बताना था आज की रात हमको यहीं पर सोना है इसी वाले हाउस पे। अबे हाँ कलवे भाई साहब मेरे को पता है पूरा। अबे पूरी बात तो सुन ले, तेरे को नीचे सोना पड़ेगा, यहाँ पर एक ही बेड है। तू मेरे को रोज कौन सा ऊपर सुलाता है, नीचे ही सो जाऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फाइनली सुबह हो गई है बहुत देर बाद। अबे चौप का बच्चा कहाँ पर गया? अबे चौप कहाँ पर है ये पता नहीं भाई साहब, सुबह कहाँ चला गया? रात को तो भाई साहब यहाँ पर ही सोया था, अब भी पता नहीं कहाँ पर चला गया, शायद से ऊपर बाथरूम में गया होगा भाई, देख के आ जाता हूँ एक बार। भाई चौप कहाँ पर है? ये चौप का बच्चा नहीं भाई साहब, कहाँ कहाँ घूमता रहता है, एक बार पूरे घर के अंदर देख के आ जाता हूँ मैं जल्दी से। भाई मिल ही नहीं रहा, कहाँ पर गया सुबह सुबह, बाथरूम के अंदर भी नहीं है, कहाँ पर गया भाई चौप का बच्चा? यहाँ पर बालकनी से बाहर में देखते हैं भाई, यहाँ पर दिखता है या नहीं वो पता नहीं यार, सुबह सुबह कहाँ पर चला गया है भाई, घर के बाहर देख के आता हूँ एक बारी में।
रात को तो मेरे पास ही सोया था भाई, अभी पता नहीं कहाँ पर चला गया। एक बारी घर के बाहर जाके देख के आता हूँ, भाई इसके पुराने दोस्तों के साथ चला गया होगा घूमने। घर के बाहर भी नहीं दिख रहा है, घर के अंदर भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ पर चला गया। वो सब छोड़ो गाइस, अबे ये क्या है यहाँ पर? अबे ये मेरे को कहीं कहीं देखा हुआ लगता है, इसको कहीं तो देखा है भाई मैंने। एक तो भाई साहब पता नहीं है चोप का बच्चा सुबह सुबह कहाँ पर चला गया। गाइस एक गाड़ी का बम्पर भाई देखा हुआ लगता है। अबे गाइस मेरे को सब पता चल गया, अबे ये तो उसी कार का है जो न्यूज वाला बात कर रहा था। कहीं यही अपने चोप को तो नहीं ले गए भाई? चोप को उठा के ले गए मेरे ख्याल से भाई, शायद यही कार है भाई। अगर वो चोप को ले भी जाएगी तो भाई कहाँ पर ले जाएगी? कुछ लोकेशन वगैरह हमको पता नहीं है, हम ऐसे कैसे ढूंढेंगे चोप को? अगर मेरे को एक बार चोप मिल गया और उसके साथ साथ किलर वाली वो कार भी मिल गई तो भाई मैं उसको तो आज ब्लास्ट कर दूंगा कैसे भी करके। तो वो किधर मिलने वाली है वो तो मेरे को भी नहीं पता है, पर हम तो ढूंढते हैं उसको, किधर तो मिल ही जाएगी हमको। तो न्यूज वाला बता रहा था भाई वो बीच पे थी, तो एक बार बीच पे देख के आ जाते हैं सबसे पहले। तो गाइस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कहीं हमको चोप मिल जाए भाई। तो मेरे को उस किलर कार पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है आज, तो भाई वो एक बार हाथ आ गए तो भाई उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। ऑल राइट गाइस, तो मैं यहाँ पर बीच पे आ गया हूँ, तो मैं बीच पे तो आ गया हूँ पर यहाँ पर मेरे को ना चोप दिख रहा है और ना वो किलर कार दिख रही है। एक बार हम समुद्र के अंदर देख के आते हैं, क्योंकि न्यूज वाला बोल रहा था कि किलर कार लोगों को पकड़ पकड़ के समुद्र के अंदर फेंक रही है। तो जल्दी से चलते हैं एक बार देख के आते हैं। और गाइस वो किलर कार एक बार मिल जाए मेरे को भाई, वो क्यों नहीं दिख रही है भाई, एक बार मेरे सामने तो आए वो। तो यार यहाँ पर चोप को देख लेते हैं भाई, कई चोप यहाँ पर हमारा समुद्र के अंदर तो नहीं फेंक दिया है उसने, तो मेरे को नहीं लगता समुद्र के अंदर मिलेगा वो। अबे कलवे मैं यही हूँ, मेरे को पता था भाई साहब तू जरूर आएगा। अबे भाई साहब चोप तू कहाँ पर है? कलवे अंदर देख, समुद्र के अंदर रहा हूँ मैं। अबे तू अंदर क्या कर रहा है? कलवे में डर के यहाँ पर छुप गया भाई, मेरे को गोस्ट किलर कार दिखी थी भाई, वो मेरे को पकड़ के लाई और भाई समुद्र के अंदर डाल दिया। ठीक है पहले तू बाहर तो आ भाई, समुद्र के बाहर तो आ। अबे कलवे पीछे देख, वो वाली गोस्ट कार आ रही है भाई। अबे ये यहाँ पर क्या कर रही है भाई? इसको ब्लास्ट करना पड़ेगा जल्दी से भाई, ये और लोगों को किडनैप करेगी और लोगों को मारेगी, उससे पहले इसको ब्लास्ट करना पड़ेगा मेरे को। अबे मैं गन क्यों चला रहा हूँ? इसके ऊपर आरपीजी निकालते हैं भाई, सीधा आरपीजी से कूटते हैं इसको भाई, गोली मार दी। आरपीजी बहुत ही ज्यादा जोरों से लगे, अबे भाई मैंने ये ब्लास्ट कर दिया। तो गाइस इस कार ने बहुत ही ज्यादा लोगों को डराया था, तो हमने फाइनल इसको मार दिया, ब्लास्ट कर दिया। अब ये दोबारा भाई कभी नहीं आ पाएगी भाई साहब, अबे लोगों को कभी नहीं मार पाएगी। तो इस कार को मैंने ब्लास्ट कर दिया फाइनली भाई, इस कार ने भाई जीना आराम कर दिया था। ठीक है तो गाइस ये कार तो हमने ब्लास्ट कर दिया, अब हम जल्दी से चलते अपने घर पे। अबे हाँ यार कल भाई साहब काफी ज्यादा भूख लगी है मेरे को, जल्दी से घर पे चलते हैं। तो गाइस जल्दी से चलते हैं हम अपने घर पे। तो गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।